गुड मॉर्निंग सेवन क्लास बच्चों, आज असी पंजाबी दी क्लास विच पार्ट नंबर 11 बाबा बंदा सिंह बहादुर पढ़ांगे। यह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दी जीवनी है ते इस नूं लिखा है सरदार करनैल सिंह सोमल ने। हाँ जी, आओ रीड करिए पार्ट नंबर 11 बाबा बंदा सिंह बहादुर। पंजाबियों का एक मुहावरा है इट ना लिट खड़कौना। आम तौर पर बंदा सिंह दी सूबा सरहद उत्ते जित नूं दसण लई इह मुहावरा वरत्या जांदा है। बंदा बहादुर ने सरहद दी इट नाल इट खड़का दित्ती, आख के जाणो सारी गल आख दित्ती जांदी है। असीं जाणदे हां कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे दो छोटे साहबजादियां बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह नूं सरहद विखे नीहां विच नुआ के शहीद कर दिता गया सी। सरहद दे फौजदार फरीद वजीर खान ने यह जुलम टाया सी। बंदा बहादुर ने इस जालम हाकम नूं मार मुकाया सी ते उस दीआं फौजां नूं करारी हार दित्ती सी। बंदा बहादुर दे कारनामयां विच इह सब तों वड्डा सी। कौन सी बंदा बहादुर, उसका असली नाम की सी? बंदा बहादुर 18वीं सदी दे सब तों महान व्यक्तियां विचों एक सी। ਉਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1670 ਵਿੱਚ ਪੁਣਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਪੁਣਛ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ रामदेव एक गरीब किसान सी। लक्ष्मण देव नूं पढ़ाउण दा कोई साधन नहीं सी, इसलिए ओह अपने पिता दे नाल खेती दे काम विच हट पटाउंदा सी। जदों भी वेल मिलदी ओह तीर कमान चुकदा ते शिकार कढ़न चला जांदा। ओह एक चंगा निशानेबाज सी, उस नूं तलवार तीर कमान आदि शस्त्र चलाउण दा चंगा अभ्यास सी। ओह बचपन तों ही दलेर सी। लक्ष्मण देव मदरे कद दा फुर्तीला नौजवान सी। उसका रंग कणक वन्ना नैनक सोने ते अखां चमकीलियां सन। पंद्रह कु साल दी उम्र विच उसके जीवन विच अजिही घटना वापरी जिसने उसका जीवन ही बदल के रख दिता। ओह एक नदी के किनारे शिकार खेड रहा सी कि सामने एक हिरनी लंघी। लक्ष्मण ने झट एक शूक का तीर छड्डिया। हिरनी बुरी तरह जख्मी होके उसकी अखां सामने तड़प तड़प के मर गई। नाल ही उसके छलनी हुए पेट विचों दो बच्चे निकले, वह भी उसकी अखां के सामने दम तोड़ गए। इस घटना का लक्ष्मण देव के मन उत्ते डूंघा असर पिया। उसने तीर कमान नदी विच भगा मारे ते फैसला किया कि अगे तो किसी भी जीव नूं बेदोषा नहीं मारेगा। इस घटना का पिछों लक्ष्मण देव उदास रहन लग पिया। उसका कोई काम धंधा करन नूं जी ना करता। फिर वह एक बैरागी साधु बन गया ते अपना नाम माधो दास रख लिया। तद वह घूमदा घुमांदा दक्षणी भारत की एक प्रसिद्ध नदी गोदावरी किनारे पुज गया। यह थां उस नूं चंगी लगी ते वह कुटिया बना के उत्थे रहन लग पिया। हौली हौली उसकी प्रसिद्धि हो गई। इत्थे ही सन 1707 ईस्वी विच उस नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मिले। माधो दास गुरु जी तो बहुत प्रभावित होया। उसनों गुरु जी तो उन्होंने पिता माता साहबजादियों की शहीदी का पता लग्या। उसका खून खोल उठा। वह तो हिरनी के बच्चों के मरण से व्याकुल हो उठा सी। यह साका सुन के उसका रोह जाग पिया। उसने गुरु जी ने कहा कि वह उन्होंने ही बंदा है, इसलिए वह गुरु जी की आज्ञा अनुसार हर कुरबानी करने लिए हमेशा तैयार रहेगा। उसकी यह गल सुन के गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। उस नूं अमृत छका के उसका नाम बंदा बहादुर रख दिता। हाँ जी, पता चलिया बंदा बहादुर कौन सी? पहला उन्होंने नाम लक्ष्मण दास सी, फिर उन्होंने अपने नाम नाल माधो दास लगा लिया ते हुण जदों गुरु गोबिंद सिंह जी की शरण में आए तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने नाम बंदा सिंह बहादुर रख दिता। उस नूं अपने पत्थे विचों पंज तीर कढ के दिते ते जालम हाकमां नूं सबक सिखाउण लई पंजाब वल भेजिया। पर था जिहदे विच तीर पाए जांदे ने, जिवें आ देखो ऐ बंदा बहादुर सिंह बहादुर दी पिट ते टंगा है, इहनूं पत्था कहिंदे। इहदे चों तीर कढ के उन्होंने दिते।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਮੇ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਆਏ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦ ਮੀਨ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਣਾ, ਕੈਥਲ, ਕੁੜਾਮ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ, ਕਪੂਰੀ, ਸਢੋਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆਖਦੇ ਸਨ।